क्या बात है, आप लोगों की एनर्जी देख के इतना, थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन याद आ गई मुझे, मैं बहुत पहले बोलता था कि कल तक दूर से देखते थे कारवां, कल तक दूर से देखते थे कारवां, आज कारवे का हिस्सा बन गए, कल तक पहचान ना थी कोई, आज घर घर का किस्सा बन गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है? Yes. Yes or no? Yes. सब लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी और सबने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। एक्चुअली सक्सेस के यही पॉइंट्स होते हैं, सबके बताने के तरीके अलग होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दीपक सर का, थैंक यू सो मच सर, मुझे इस लायक आपने समझा कि मैं भोपाल में आके मेरी स्टोरी आप लोगों को इंस्पायर कर पाए। आप सब तैयार है? Yes. बस मेरी एक बात जान लेना, ये ना मोबाइल रख दो, एक्चुअली अपना मेमोरी खाली है और उसका भरने में लगे हुए हैं। हाथ दर्द हो जाएंगे, ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, बस ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तैयार है? Yes. Yes or no? Yes. फ्रेंड्स, नाम शिवम है, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पास, मैं लॉन्ग स्टोरी या शॉर्ट करके बताऊंगा, मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था, मैं फादर के बिजनेस में जा सकता था या जॉब में जा सकता था। मेरे फादर का बिजनेस है, 16 साल की उम्र में वो दिल्ली आए थे और जॉब की तरफ ना जाके वो बिजनेस की तरफ गए, और जिसकी बदौलत घर में गाड़ी एसी सब कुछ था, तो उन्होंने प्रॉपर्टी में, मतलब इतना प्रॉपर्टी बना ली, इतना पैसा कमा लिया कि वो हमेशा एक चीज बोलते थे, बेटा तू कुछ भी कर, तूने आगे जाके बिजनेस करना है, व्यापार करना है। कभी मुझे ये नहीं बोला गया बेटा तुझे जॉब करना है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा से सब कुछ बहुत सही चल रहा था। मेरी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट भी शेयर कर देता हूँ, मुझे बीमारी हुई ऑस्टियोमेलाइटिस, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, और डॉक्टरों ने बोल दिया था ये लड़का जीवन में कभी चल नहीं पाएगा, इसकी टांग काटनी पड़ेगी। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, एम से लेके मैक्स तक हर डॉक्टर ने एक चीज बोली थी, इस लड़के को व्हील चेयर मिलेगी। एंड माय डियर फ्रेंड, ऊपर वाले की जब निगाह सीधी हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ऑपरेशन हुआ, मैं चलने लायक हुआ, सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन, सब कुछ बहुत सही रहा। इसलिए मैं हमेशा आजकल अपनी ट्रेनिंग्स में एक बात बोलता हूँ, बी थैंकफुल, हमेशा शुक्रिया अदा करो। जीता जागता नर्क देखना चाहते हो तो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर आपके दो हाथ है, दो पैर है, सही सलामत है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। माय डियर फ्रेंड, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था थ्रू आउट माय कॉलेजेस और इयर्स, जो भी मैंने अपनी स्कूलिंग करी, ग्रेजुएशन करी। पर मैं आपको बता दूं, मैं एक प्रैक्टिकल बच्चा हूं लाइफ में, मैं बहुत लॉजिकल सोचना पसंद करता हूं। मुझे एक इंसान मोटिवेट कर सकता है इस जीवन में, और वो हूं मैं खुद, राइट? एंड माय डियर फ्रेंड, क्या होता था, मैंने जीवन में, आज आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे अपने बच्चों को कहते हैं, माता पिता कहते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो, एक अच्छा नौकर बनो, गो एंड गेट योर ग्रेड्स एंड वन डे यू विल गेट अ जॉब, राइट? हमेशा एक चीज बोली जाती है, याद करो जब आप बच्चे थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था, स्कूल में प्रेयर होती थी, और जब 26 जनवरी के आसपास का टाइम आता था, तो ऊपर से जब हेलीकॉप्टर जाते थे, तो हम ये बोलते थे, भाई देख आगे वाला मेरा है, पीछे वाला तेरा है। Yes or no? Yes. कितने लोगों ने ये कभी बोला है? Yes. पर जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, हम क्या सोचने लगते हैं, तेरा भाई एक दिन इसमें बैठेगा। फिर धीरे धीरे और बड़े हो जाते हैं, जब सच्चाई से सामना होना चालू होता है, फिर हम धीरे धीरे बोलते हैं, एक दिन तेरा भाई अपने बीवी बच्चों को जरूर बिठाएगा। और जब धीरे धीरे और बड़े होते हैं, जब बच्चे बोलना कहते हैं कि पापा घुमाना है, प्लेन में बैठना है, बेटा अगली बार, एंड दैट अगली बार नेवर कम्स। माय डियर फ्रेंड, यही हमारी रियल लाइफ में होता है, जब हम इस दुनिया में, हमें ऊपर वाले ने भेजा है ना, हमारा कोरा कागज है, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, हमारी प्रोग्रामिंग की गई है, राइट? आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियों के रिएक्शन क्या होते हैं, अगर वो चूहे को देख ले कॉकरोच, आज तक मुझे एक बात बताओ, किससे कॉकरोच ने काटा है, किसे चूहे ने काटा है, वो बेचारा खुद डरता है उनकी शक्ल देख के। सो ये प्रोग्रामिंग हमारी की गई है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, वही प्रोग्रामिंग के तहत आज हम जो भी है ना, उसी के तहत, जैसे आज कोई भी इंसान अगर 10-15-20 हजार कमा रहा है, तो जो आपके माइंड में डाला गया उसकी बदौलत। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा, ये किताबी नॉलेज, स्कूल कॉलेजेस में हमने जितना भी पढ़ा है, ये इस दुनिया में सिर्फ 20% काम आता है, ट्रस्ट मी, ये इस दुनिया में सिर्फ 20% काम आता है। मैंने आज तक कभी पाइथागोरस थ्योरम कभी इस्तेमाल नहीं करी, मैंने कभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल कभी इस्तेमाल नहीं किया, टू बी वेरी फ्रेंक, मैं साइंस का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, राइट?
मैं पर प्रैक्टिकल रहा हूं स्कूल में, जब हमारे चलता था एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ा है? Yes. हर बार टीचर क्लास में आता था और हर बार आके एक बात बोलता था, डेढ़ दो महीने वो चैप्टर चला, लेट एक्स इक्वल टू मान लो। मेरे एक दिन सरक गई, मैंने कहा पिताजी की मान नहीं रहे, तुम्हारी माने जा रहे तुम्हारे तो मान लो ही खत्म नहीं हो रही। दूसरा एक आया अरिथमेटिक, अंकगणित, वो उसका भी बाप, अगर 20 आदमी एक खेत को 10 घंटे में जोतेंगे तो 10 आदमी उसी खेत को कितने घंटे में जोतेंगे। मैंने कहा मैडम जब एक बार खेत जुत गया तो दोबारा क्यों जोतना है पहले? व्हाट इज द लॉजिक? हाइपरबोला, पैराबोला, पता नहीं क्या क्या बोला टीचर ने, पर ये जीवन में इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी सलमान खान का गाना आया कि बेबी को बेस पसंद है, वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बुरा मान गए सुन के कि यार हम भी तो कर रहे थे। सो माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत लॉजिकल रहा हूं। सो जैसे ही सब कुछ बहुत सही चल रहा था, बट मेरे फादर ने बोला था बेटा तू कुछ भी कर तूने मेरे बिजनेस में आना है। सो जैसे तैसे मैंने उन्हें कन्विंस करके मैंने अपनी स्कूलिंग करी, ग्रेजुएशन करी, मैंने साइंस साइड ले ली। 12th 11th में मैंने साइंस साइड ले ली। आप किसी गली के डॉग को देख लो, साइंस वाले को देख लो, एक जैसे लगता है, समझ रहे हो? और कई तो इतना पढ़ते हैं कि पढ़ पढ़ के गंजे हो जाते हैं, राइट? सो मैंने साइंस ले ली, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। फिर मैंने कन्विंस करके उन्हें ग्रेजुएशन करी। अब ग्रेजुएशन के बाद था ये कि फादर के बिजनेस में जाना है, और मैं आपको सच बता दूं, मैं मुझे उनका बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं। जरूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, राइट? वो ट्रांसफार्मर, डायोड वगैरह बहुत सारी चीजें बनाते थे, और दुष्यंत जी को पता है, मैं वहां मतलब लेबर को देख लो और मुझे देख लो, एक जैसे लगता था। मुझे खुद लगता था कि मैं किसी मजदूर का ही बच्चा हूं, मुझे उस फैक्ट्री में कभी फीलिंग नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे तैसे मैं कॉलेज गया, रामदास में बहुत सब कुछ बहुत सही चल रहा था, एंड मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने बोला शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था। मैंने कहा भाई अगले दिन मैं क्रिकेट खेलूंगा, राइट? उसने कहा एक काम कर तू भाई, कल बस मेरे साथ चल के देख भाई, तेरा जीवन बदल जाएगा भाई, चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा भाई, चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। आई वॉज टोल्ड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें मुझे बोली गई। मैं वहां गया, एंड माय डियर फ्रेंड, वो दिल्ली में आईटीओ पे मीटिंग चल रही थी वेस्टीज की, और जहां पे सिद्धार्थ सर स्टेज पे थे और गिनती के 150 लोग के आसपास वहां पे बैठे, राइट? पूरी मीटिंग देखी वेस्टीज की, मैं बहुत लॉजिकल रहा हूं, और मुझे ज्यादा देर ये समझने में नहीं लगा कि मेरा नुकसान नहीं है, राइट? और पूरी मीटिंग देखने के बाद एक चीज समझ में आई, फूल गया तो गोलगप्पा नहीं पापड़ी तो है, बिजनेस चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान कुछ नहीं। जैसे अभी शब्बीर जी ने बोला यार कोई पसंद है प्रपोज मार दो, कल क्या पता भाभी बन जाए मार के देख लो, हाँ गए ना गए, यस टू बेस्ट, नो टू नेक्स्ट, वो ऐसी प्रोस्पेक्ट के साथ भी होता है। नहीं देख लो शब्बीर जी की बात, पूरा फॉलो करना, हो सकता है अगर लव लेटर ना तो उसी लेटर में कन्यादान। सो माय डियर फ्रेंड, पूरी मीटिंग देखी और मुझे समझ में आया कि मेरा नुकसान कुछ नहीं है। मैंने स्टार्ट किया और मैंने वहां पे देखा था बहुत सारे लोग आ रहे थे जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं थी, वो इंसान स्टेज पे आया, कहता मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के पांचवी पास, आमदनी 4 लाख 5 लाख, मैं इतनी फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूँ, मैं ऑडी चलाता हूँ। मैंने कहा यहाँ पढ़े लिखे बच्चे अपने बच्चों को गोदी में छोड़ने जाते हैं, अनपढ़ लोग ऑडी चला रहे, तो समझ में नहीं आता था। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा मीटिंग देखने के बाद, और मैंने डिसीजन बना लिया कि मुझे मेरी लाइफ, मेरी वाइफ मिल चुकी है, अब इसे एक साल में ये शिवम अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, और उसे एक साल में मैंने करना स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए माय डियर फ्रेंड, मेरे सपने बड़े थे। मैं हमेशा एक बात, आपने कहानी सुनी है एक कौवा प्यासा होता है, कितने लोगों ने एक कौवे प्यासे की कहानी सुनी है कि जब उसे प्यासा होता है वो कंकर डालता है मटके में, सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है? माय डियर फ्रेंड, इस कहानी को आपने अलग अलग तरीके से सुना होगा, बस शिवम को एक चीज पता थी कि शिवम कहानी उसी कौवे की बनती है जो प्यासा होता है। तो आज अपनी प्यास बढ़ा ले, आज अपने सपने बढ़ा ले, और मैंने अपने सपने बढ़ाए, और मुझे पता था कि मैं हलवा लेने नहीं जा रहा, अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूं, चैलेंजेस तो आएंगे, वो तो मुझे पहले था। एक सोल्जर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि वेयर योर फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर, अपने फेलियर को अपना सम्मान समझो। आप कुछ आज ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग आज आपको मना कर रहे हैं, लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे फल होते हैं, राइट? सो आज अगर पत्थर लग रहे हैं ना तो समझ जाओ फल आने स्टार्ट हो गए।
तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे घर वालों ने मना कर दिया था। मैं सब शॉर्ट करके बता रहा हूं क्योंकि आज पर्पस कुछ और है। माय डियर फ्रेंड, इंस्टेड ऑफ दैट मैं लगा रहा, मेरे 10 दोस्त बेस्ट फ्रेंड चट्टी बट्टी यार, घूमते साथ थे, खेलते साथ थे, नहाते भी साथ थे कभी कभी, एंड दे डिडंट जॉइन वेस्टीज विद मी। उन्होंने मेरे साथ वेस्टीज नहीं की, और वही जो हर एक दोस्त कहता है पहले तू कर ले। मेरे कई दोस्त मेरी फिल्म बनाने लगे, पहले के पास गए वो शक्ल ऐसी बना रहा हम आपके हैं कौन, दूसरे के पास गया वो कहता दिल है कि मानता नहीं, तीसरे ने हद्दी कर दी कहता भाई शिवम भाई बेस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया है भाई दिल से आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा दिल में बैठा कौन है उसे निकाल पहले। कहता यार दिल से आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा एक काम कर तू एक साइट पे जा, कहता कौन सी वेस्टीज की। मैंने कहा नहीं मैं पैदा क्यों हुआ .com तू वहां देख अपने आप को। सो माय डियर फ्रेंड, सब दोस्तों ने मना करा, तो जो मेरे पहले ज्वाइनिंग थे वो आज मेरे साथ यहाँ पे हम सब, दुष्यंत निमांजी एक बार जोरदार तालियां। और दुष्यंत जी को मैंने एक ही बात बोली थी भाई विश्वास कर ले, या तो रास्ता खोद दूंगा या रास्ता खोज दूंगा, एक काम तो जरूर करेंगे, राइट। एंड वही हुआ माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद पेट में खाना नहीं होता था। अभी आप हमें देख रहे हैं ना, हम थोड़े मोटे हो गए, पहले मेरी पेट और कमर पप्पी ले रहे थे आपस में और गाल मेरे यूं थे, आप बिल्कुल देख के बता सकते थे कि ये किसी कुपोषण का मरीज है, समझ रहे हैं। एंड टू बी वेरी फ्रेंक, ट्रस्ट मी, 4 साल पहले, अभी तो जियो है राइट, आज आपको नेट फ्री मिल रहा है, कॉलिंग फ्री मिल रही है, उस समय हम प्रीपेड रिचार्ज कराते थे और जेब में रुपए नहीं होते थे, पर माय डियर फ्रेंड कहीं से भी रिटेल करके कुछ भी करके, एक चीज ध्यान रखना मेरी इस बिजनेस में, मोबाइल का बिल और बाइक का व्हील ये जितना घूमेगा ना आपकी उतनी इनकम बढ़ेगी, राइट। मेरे पेट में खाना जाए ना जाए, मोबाइल में पैसा मिलता था और बाइक में पेट्रोल मिलता था। आप मेरी बाइक की किसी दिन कंडीशन देख लेना, सच में शब्बीर जी वाली हालत है कार की। वो बाइक को लोग देख के कहते हैं वो बाइक मैंने चलाई है 60,000 किलोमीटर, वो 60,000 किलोमीटर मैंने बाइक वेस्टीज में ही चलाई है, राइट। और ऐसी चलाई है धन्नों की तरह, समझ रहे। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत सारे चैलेंजेस तो आए और आते रहेंगे, बट एक चीज बता दी कि सफलता संघर्ष से मिलती है, संतुष्टि से नहीं। यस और नो? यस और नो? सफल होना चाहते हैं? तो जब पहली ज्वाइनिंग आई मैं रुका नहीं, बस एक चीज माइंड में याद थी कि कोई आता है यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट। मैंने कभी अपने आप पे डाउट नहीं किया कि मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। अभी ये गाना चल रहा है ना अपना टाइम आएगा, तो वो मुझे उसी समय पता था अपना टाइम आएगा और अपना टाइम अब चल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद मेरे पहले महीने का चेक आया 201 रुपए का। आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, राइट। 201 रुपए तो आए, पर इस बात की खुशी थी कि भगवान ने शगुन के साथ भेजा 1 रुपए लगा के कि बेटा सही काम कर रहा है, करता रहे। दूसरे महीने का चेक आया 856 रुपए का, तीसरे महीने का चेक आया 1600 रुपए का। एंड माय डियर फ्रेंड, आज एवरेज इनकम एक महीने की, अभी पिछले महीने का हाईएस्ट चेक 5,09,000 रुपए का। सोच के देखो, मैं हमेशा कहता हूं सोच के देखो, बस ना बीवी है ना बच्चे है, जिंदगी कितनी अच्छी है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई भौंकने वाला बॉस नहीं। जब मन करता है सो के उठते हैं, जब मन करता है मूवी देखने जाते हैं, हर मूवी के पहले दिन का पहला शो देखता हूं, फ्लॉप हो हिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द लाइफस्टाइल ऑफ अ वेस्टीजियन। मेरे दोस्त जो शुरू में नहीं आए, उस समय गाना नहीं आया था, पर अब आ चुका है। अगर आपके दोस्त अभी नहीं आ रहे ना, तो उन्हें गाना गाना है स्माइल के साथ, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये तो वक्त बताएगा ना। तो मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं आए, जो उस समय नहीं आए, आई स्वेयर ऑन गॉड भगवान से बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। आज वो मेरे से कहते हैं शिवम भाई हमारा कुछ हो सकता है? मैंने कहा भाई बिल्कुल होगा, तेरा लड़का या लड़की जरूर होगा, विश्वास रख। कहता नहीं, वेस्टीज में कुछ हो सकता है। मैं कहता हूँ अच्छा शनि है उतरा है इसका, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अपार्ट फ्रॉम ऑल चैलेंजेस, कैसे कैसे दिन देखे, दुष्यंत जी ने आपको बताया, मेरे भी फादर ने घर से निकाल दिया था। चलो आप, उस समय मैं इन्हें घर नहीं बुला सकता था क्योंकि ये भी पिटते और मैं भी पिटता, मैं तो पिट ही रहा था, मैं नहीं चाहता था ये पिटे। तो हम वही बहुत सारी चीजें हमने देखी अपने लाइफ में, बट माय डियर फ्रेंड, जब हमारे घर वालों ने बोला ना हमें, उस समय हमने वेस्टीज को नहीं छोड़ा, उस समय हमने घर छोड़ दिया था। मुझे गौतम बुद्ध जी की एक लाइन पता थी,
कि उन्होंने सत्य के लिए अपने महल को छोड़ दिया था और लोग आज अपने महल को नहीं छोड़ पाते सत्य के लिए, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मैंने करना स्टार्ट किया, लगा रहा, ना दिन ना रात, ना धूप ना बरसात, ना भूख ना प्यास, कुछ नहीं देगी घड़ी। वक्त से किसी इंसान ने पूछा मैं हार क्यों जाता हूं, तो घड़ी ने, वक्त ने बड़ा सुंदर सा आंसर दिया कि कोई सा भी समय हो, ठंडो गर्मी हो, धूप बरसात हो, मैं कभी रुकता नहीं। ए इंसान, तू भी मेरी आदत डाल ले तो कभी हारेगा नहीं, राइट? किसी भी सिचुएशन पे मैं कभी रुका नहीं। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग यहां पे सक्सेस क्यों नहीं होते, क्योंकि वो चाहते हैं रातों रात सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस। यहां पे हर लीडर ने एक बात बोली कि 3 साल की कमिटमेंट, मैंने 3 साल की कमिटमेंट अपने आप से करी थी। कमिटमेंट मतलब समझते हैं? वांटेड मूवी देखी है? क्या बोलता है सलमान खान? अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार जो बोल दिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरे एक डाउनलाइन था, कहता है सर मैंने एक बार जो बोल दिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मैंने कहा वेरी गुड। कहता सर दूसरी बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। मैंने कहा वेरी गुड। कहता सर तीसरी बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद कोई मेरी भी नहीं सुनता। मैंने कहा भले आदमी, कमिटमेंट एक ही होती है, समझ रहे? जो बोल दिया सो बोल दिया, करना है। 3 साल जिस दिन ज्वाइन हुआ था ये सोच लिया था 3 साल आंख बंद करके काम करूंगा, मेहनत करूंगा। 3 साल बाद सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, जिस इनकम पे पहुंचूंगा 3 साल बाद, तब ये डिसाइड करूंगा कि वेस्टीज को करना है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोग 3 महीने में डिसाइड कर लेते हैं, हमसे ना हो पार। माय डियर फ्रेंड, हाउ कैन यू डिसाइड? 3 साल का प्रोसेस है, जो मैं पूरी टीम में कहता हूं, पूरे इंडिया में कहता हूं। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे और फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। पहले साल दूसरे साल तीसरे साल उड़ाएंगे। पहले साल दूसरे साल तीसरे साल इस पे उड़ाओगे, घर वाली बाहर वाली किसी में भी उड़ाओ। बट माय डियर फ्रेंड, ये प्रोसेस है 3 साल का। तैयार है 3 साल देने के लिए? 3 साल मत सुनना मम्मी पापा, अड़ोसी पड़ोसी, सड़ोसियों की बिल्कुल मत सुनना, किसी की मत सुनना। मैं सच कह रहा हूं, काम वही करने में मजा आता है जो लोग बोलते हैं आप ये कर नहीं सकते। जब सारे लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो और आप जीत जाओ, उसका मजा कुछ और नहीं है। अगर इंडिया हारते हारते जीत जाती है तो मजा आता ही नहीं आता। माय डियर फ्रेंड, वो मजा आएगा। आज 5 लाख रुपए महीने की इनकम है। मेरे दोस्त जो साथ में नहीं आए, 25,000 रुपए महीने की इनकम भी नहीं कर रहे। कोई 18,000, कोई 20,000, किसी की लगी है तो बड़ी जोर की लगी है, वो बताता ही नहीं। और ये शिवम गोस्वामी 25,000 महीने का गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। ये फर्क है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ प्रेस्टीज। मुझे पहली बार जाने का मौका मिला कंपनी की तरफ से दुबई अबू धाबी। जीवन में कभी सोचा नहीं था, टीम से 5 लोग गए। अगली बार हमें जाने का मौका मिला पटाया। मैंने कुछ नहीं पटाया, जगह का नाम है पटाया, बैंकॉक। और तीसरी बार अभी क्रूज पे गया। माय डियर फ्रेंड, इस क्रूज पे सबसे बड़ी बात मेरे लिए फॉरेन ट्रिप नहीं थी। बहुत सारे बच्चे, मैं हमेशा कहता हूं यार आप काम कर रहे हो ना, अगर आपको काम करने की वजह नहीं मिल रही तो एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख लो। आप घर से निकलने से पहले अपने माता पिता का चेहरा देख के निकलो, आपको बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी काम करने के लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी आपको बनाने के लिए, आज तक आपने क्या किया है उनके लिए? ये सवाल अपने आप से करो। अगर आपके, मैं शिवम गोस्वामी में से अगर गोस्वामी हटा दूं तो हुई शिवम, शिवम का क्या वजूद है कौन जानता है? माय डियर फ्रेंड, ऐसी आप अपने सोचिए। तो मैंने वही सोचा था कि वेस्टीज में मैं अपने पेरेंट्स को विदेश यात्रा कराऊंगा। एंड माय डियर फ्रेंड, मेरी मदर अभी मेरे साथ क्रूज पे थी, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं घर गया, सर थैंक यू सो मच, सर की वजह से मदर जा पाई क्योंकि पासपोर्ट लेट आया था। मैं घर गया, मैंने बड़ी खुशी से बताया कि मम्मा आप मेरे साथ विदेश चल रहे हो। मैंने हाथ में 20,000 रुपए रखे, कहती बेटा ये किस लिए? मैंने कहा शॉपिंग वॉपिंग करना स्टार्ट कर दो, अब विदेश चलना है। मम्मी कह रही बेटा तू तो मुझे तीर्थ भेज। मैंने कहा हम कलयुग के श्रवण कुमार, हम विदेश लेके जाएंगे, समझ रहे? सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ प्रेस्टीज। अभी हमारी टीम में, मेरी टीम में 18 बच्चे ऐसे हैं, 18 जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है।
छह लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा है। एंड माय डियर फ्रेंड, कोई टेंशन नहीं हमारे, मैं ये सोचता हूँ राष्ट्रपति जी 1.5 लाख महीना कमाते हैं, मेरे नीचे 6 राष्ट्रपति काम कर रहे हैं बिना टेंशन के। वेस्टीज में काम करते मुझे 2 साल ही हुए थे जब मैं पहली अपनी कार लेने गया, और कार के लिए मैंने जब लोन मांगा बैंकों से तो सारे बैंकों ने कमबख्तों ने मना कर दिया, यार तुम बच्चे हो तुम कहां दे पाओगे लोन। तो मुझे याद आई एक धीरूभाई अंबानी की बात कि 1980 में उसने IDBI बैंक से लोन मांगा था और 2000 उसे वो लोन देने से मना कर दिया था, और 2008 में उसने उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया था, अब मुझे भी लोन देने से मना कर दिया, अब देखते आगे आगे क्या होता है। तो मैंने भी ये सोच लिया था। सो माय डियर फ्रेंड, पहली कार मैंने यहाँ से नेक्सा बलिनो ली, 8.5 लाख रुपए का चेक काटा, 8,35,000 रुपए का, और कार उठा के ले आया। एंड अगली कार सर जब बोल देंगे मैं तब निकाल दूंगा, वैसे टारगेट मेरा पिछली कार अपने बर्थडे पे ली थी 6 जून, और इस बार मैं कंपनी के बर्थडे पे ले रहा हूँ 2 जून को, राइट। और माय डियर फ्रेंड, बस एक चीज बोलना चाहूंगा, रिजेक्शन आएंगी, लोग हंसेंगे, लोग पागल बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरे दोस्तों को आदत थी मजाक उड़ाने की, मजाक उड़ाते 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 मजाक बन के रह गए, और मुझे आदत थी पैसा बनाने की, पैसा बनाते 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 पैसा बनाना आ गया, हर महीने 5 पेटी अंदर। तैयार है? yes! सुन लो, लोगों की मत सुनना, ये लोग आपके वक्त के बदलने के साथ अपनी राय बदल देंगे, राइट। और कई लोग तो मैं सच बता रहा हूं, अजीबो गरीब लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना, मार्केट में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, अगर यहां भी बैठे होंगे, अगर मैं कहूं ना पीछे मत देखना तो मुड़ के जरूर देखेंगे, ये सोचेंगे ने बोला क्यों था, मना क्यों किया। तो ऐसे अजीबो गरीब लोग मिलते हैं मार्केट में, आपने उन्हें हाथ मिलाना है, थैंक यू करना है, आगे बढ़ जाना है। आप मैं कई लोगों को मीटिंग बताता था, कहते थे तेरा क्या फायदा है, मैंने कहा यार इंडिया में रहने का यही घाटा है, यहाँ किसी को किसी के फायदे का बताओ, वो पहले इसका देखता है कि इसका क्या फायदा है। मेरा एक दोस्त 17 किलो का सिलेंडर नहीं उठा पाता, अपनी 60 किलो की गर्लफ्रेंड को उठा के कहता है जानू आई लव यू। सोचो कैसे कैसे लोग अजीब और गरीब आपको मार्केट में मिलेंगे। मैं और दुष्यंत जी अमृतसर गए, एक कन्वेंशन अटेंड करने गए थे, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए थे, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए थे, तो ऐसी बात चल गई कि कौन बड़ा है, किसकी स्टेट में दम है। तो वहीं पे एक गुजरात का बंदा कहता हम महान, मैंने कहा तू क्यों महान, कहता हमारे यहाँ महात्मा गांधी हुए, मैंने कहा इसमें तेरा क्या योगदान। यूपी में मायावती हुई थी क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी। दूसरा वही कहता राजस्थान का बंदा हम राजस्थानी लोग वीर लोग हैं, मैंने कहा भाई तू क्यों वीर, कहता हमारे यहाँ लोग एक बात पे जान दे देते हैं, मैंने कहा दिल्ली आ जा लोग बिना बात के जान दे देते, और यूपी चले जा खेल खेल में कट्टा चला दो मरे, इतने तो यूपी वाले खेल कूद के मार लेते। तो बहुत अजीब और गरीब लोग आपको मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड, बस एक चीज याद रखना कि एक इंसान ने बोला है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कह सकता है तो वो है शब्द, हम शब्दों के सिवा किसी को कुछ नहीं कह सकते, ये सुनो। पर एक इंसान ने बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया था, द बेस्ट कॉमेडियन एवर मिस्टर चार्ली चैपलिन, जिन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। लोग कहते हैं ये भारतीय जितने नेगेटिव लोग हैं ना ये सारी बातें वही बोलते हैं, लोग कहते हैं कि 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र है, 60 साल की उम्र अपने बच्चों की आमदनी पे खाने की उम्र है। एक इंसान आज 75 साल का होने के बावजूद सिंगल हैंडेड मूवी रन करता है, और किसी के बाप के रोल में नहीं फ्रंट लाइन हीरो के रोल में, और लोगों से बोलता है बुड्ढा होगा तेरा बाप मिस्टर अमिताभ बच्चन। लोग कहते हैं अगर आपको कामयाब होना है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक 16 साल का लड़का अपना पहला क्रिकेट मैच खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ विदाउट एनी एक्सपीरियंस, और आज हम सब उसे कहते हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान इस दुनिया में बदलाव नहीं ला सकता, पर एक अकेले इंसान ने ब्रिटिश सरकार को इंडिया से उठा के बाहर फेंक दिया था, मैं बात कर रहा हूं द फादर ऑफ नेशन मिस्टर महात्मा गांधी जी। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसे लोग पार्ट टाइम करते हैं, इसमें करियर नहीं बनाते, इसमें वही लोग काम करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, पर 3 लोगों ने इस डेफिनेशन को बदल दिया, मिस्टर गौतम माली सर, कनुआ सर, दीपक सर, एक बार जोरदार तालियां। आज बहुत सारे लोग वेस्टीज को फुल टाइम करते हैं क्योंकि स्टेबल इनकम यहां से आती है। सो माय डियर फ्रेंड, बस एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी सक्सेस नहीं मिली, ये तो शुरुआत है। आज का बहुत सारा यूथ ना भटका हुआ है पबजी में, पबजी जो भी होता है, बहुत सारा यूथ भटका हुआ है गली के नुक्कड़ पे खड़े हो जाता है और करता है नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी।
पर चिंता मत करो, हमारा जन्म वेस्ट इंडीज में हो चुका है, हम सबको लाइन में ला रहे हैं, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड, टू बी वेरी फ्रेंक, मेरी टीम का फोन आया मेरे पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पे कोर्स आया। कह रहे शिवम सर मजा आ गया, डीयू में नेटवर्क मार्केटिंग पे कोर्स आ गया। मैंने कहा दोस्त मजा अभी नहीं आया, मजा तब आएगा जब इन किताबों में हमारे एग्जाम्पल छपा करेंगे, मजा तब आएगा। मजा तब आएगा। अभी तक बहुत गोरों की कंपनी आई और हम काले लोग उनका साबुन लगाते थे, वो गोरे कमाते थे। मजा तब आएगा जब वेस्टीज बताते हैं ना बाली सर दीपक सर की, अभी हम मेक्सिको जाने वाले हैं, हम यहाँ जाने वाले हैं, कसम से मजा आ जाता है। और यही सोच के मजा आता है कि जहां जहां वेस्टीज जाएगी वहां वहां कार बुक जाएगी, और जहां जहां कार बुक जाएगी वहां हमारी फोटो जाएगी, और जब विदेश में बैठी कोई जेनिफर या एंजेलिना कहेगी दिस इज शिवम फ्रॉम इंडिया ड्राइव ऑडी, तब मजा आएगा। आएगा नहीं आएगा, दिस इज तुषार वेरी चिकना, तब मजा आएगा। यस और नो? तैयार है? यस और नो? आवाज निकल नहीं रही है और गाड़ी चाहिए होगी आपको, जगुआर। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस है, एनर्जी का बिजनेस। सो बस लास्ट में एक लाइन मेरी लिख लेना, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं और जीता वो जो डरा नहीं। तैयार है? तैयार है? इस साल के एंड तक सर मैं वादा कर रहा हूं अपनी आमदनी कम से कम 12 से 15 लाख रुपए महीने पे लेके जा रहा हूं। मैं बहुत कम, अगले 2 से 3 साल मुझे शायद लगेंगे आई विल रिटायर मायसेल्फ। मुझे लाइफ पसंद है सचिन तेंदुलकर जो 40 साल पे रिटायर होके बाकी का सारा समय अपनी फैमिली के साथ अपनी हॉबीज के साथ बिता रहे हैं। और कई लोग, कई बच्चों से मैं बात करता हूँ 27-28 साल की उम्र में, कहते हैं अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, फिर मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं सेटल हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ भले आदमी, सरकार तो आज तक सेटल हुई नहीं, तू कैसे सेटल हो जाएगा? तो वो इस भ्रम में है। एंड माई डियर फ्रेंड, ये लाइफ आपकी है, ये डिसीजन आपका है, ये चॉइस आपकी है। मुश्किलें आएंगी, पर एक चीज में लास्ट में एक छोटी सी चीज में आपसे रिलेट करना चाहूंगा। कृष्ण भगवान जी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, और मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, एक बार उनकी लाइफ से रिलेट करते हैं। कृष्ण जी का जन्म कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? आप में से कितने लोगों का जन्म जेल में हुआ है? नहीं ना, तो हम उनसे बेटर है। दूसरा, सब लोग गोरे होते हैं वो सांवले हुए, यस और नो? तीसरा, उन्होंने जिस मां ने पैदा किया उस मां ने पाला नहीं, क्या आप में से कोई ऐसा है? नहीं, राइट। पूरा मक्खन चुराया औरों के लिए और नाम उनका आया मक्खन चोर। अगर हमारे नाम के आगे कोई चोर लगाता है तो हमें कैसा लगता है, सोच के देखो, राइट। उसके बाद जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं हुई, पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, दोष आ गया इनके ऊपर कि आपकी वजह से युद्ध हुआ। अपने सगे मामा ने मारने की कोशिश करी, आप में से कोई है? नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, वो भी हमें सिखा गई कि यहां तो मैं भी नहीं बचा, यहां तो मुझे भी लोगों ने नहीं छोड़ा, राइट। सो चैलेंजेस आएंगे, लोग हंसेंगे, लोग पागल बोलेंगे, पर इन्हीं लोगों को तो करके दिखाना है। तैयार है? ये सुन लो, एक लाइन लिख लेना, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, ये जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।